राजकीय वायुयान से मुंडापांडे हवाई अड्डे पहुंचे, यहां से हेलीकॉप्टर से सर्किट हाउस आए। सर्किट हाउस से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सीएम आर्य वीर महासम्मेलन में हिस्सा लेने कार्यक्रम स्थल पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर सांस्कृतिक आंदोलन तक में आर्य समाज की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। जब शुद्धिकरण आंदोलन में पुरोधा स्वामी श्रद्धानंद जी की विधर्मियों ने हत्या कर दी थी, स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा चलाए गए स्वतंत्रता और शुद्धिकरण की ज्वाला ने देश को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सीएम ने कहा कि आज भी व्यक्तिवाद मिटा नहीं है। पिछले 8 वर्षों से देश नया रूप ले रहा है। समाज के हित के लिए व्यक्ति नहीं संगठन और सत्ता काम करती है। जब धारा 370 हटाई जाती है, राम मंदिर निर्माण की नींव प्रधानमंत्री रखते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का पुनः निर्माण होता है, तो स्वामी श्रद्धानंद का सपना पूर्ण होता है। सरकार हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा दे रही है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से 5 प्रण दिलवाए, उसमें सांस्कृतिक विरासत का उत्थान भी शामिल है। सीएम योगी ने कहा कि हमने प्रदेश में मेडिकल की पुस्तकें हिंदी में तैयार करा दी हैं। अगले साल तक मेडिकल के सभी कोर्स हिंदी में उपलब्ध होंगे। यह भी सांस्कृतिक गौरव का अक्षुण्ण रखने का 5 प्रण का संकल्प है। प्रधानमंत्री स्वदेशी व प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। गौ माता की सेवा और जय जयकार से प्राकृतिक कृषि महत्वपूर्ण योगदान करेगी। कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है। जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी श्रद्धानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था, वही सपना आज साकार हो रहा है। जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है, तब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने करकमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरोद्धार का कार्यक्रम होता है भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का। संगनाथ वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। और परिणाम को प्राप्त करने के लिए परिक्रमा नहीं पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। पुरुषार्थ और उस पुरुषार्थ के लिए आप सभी आर्य जनों का आह्वान करूंगा। मैं आप सभी प्रदेश के अंदर इस सकारात्मक